गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से 5 दिन हमारे रुक्मणी के स्वाध्याय का दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी पास आ रही है तो हमें जानना चाहिए राधा के और कृष्ण के बारे में। तो हम सभी जानते हैं, पर रुक्मणी का भी लाइफ के बहुत से ऐसे अंश हैं जिनको हमको सभी को जानना चाहिए। तो उनके ऊपर, रुक्मणी के ऊपर दीना मरियम ने बहुत ही सुंदर बुक लिखी है, जिन्होंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता भी लिखी थी। उससे वैसे ही रुक्मणी के उन पहलुओं को, उनके जीवन के उन चीजों को बारे में बताई है जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है कृष्ण जी के जीवन में। तो जन्माष्टमी के साथ ही साथ हम रुक्मणी के साथ भी, उनकी एनर्जी के साथ भी सरोबार होंगे। और इस बुक को 5 पार्ट्स में लेकर आ रही हैं पूजा शर्मा, जो बहुत ही अच्छी स्पीकर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और डेडिकेटेड सोल हैं। और ज्ञान भारत में उन्होंने दीना मरियम की काफी बुक्स को शेयर किया है। तो हम शेयर वेलकम करते हैं पूजा जी का। पूजा जी, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। थैंक यू नीता जी। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते ज्ञान भारत। एक मिनट का इंट्रो देकर के दीना मरियम का हम सीधा ध्यान में चले जाएंगे। तो दीना मरियम एक अमेरिकन है, वो न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने 4 या 5 बुक्स लिखी हैं, सभी अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में। और वो सारी बुक्स जो हैं वो अपनी मेमोरीज में जा करके वो अपनी यादों को बाहर निकालती हैं और उसके बाद वो उसे लिखती हैं। इस तरीके से उनकी बुक हमारे सामने आती है। तो चलिए, जो हम आज कहानी शेयर करेंगे वो, जैसे कि नीता जी ने इंट्रो दे ही दिया है, ये द्वापर युग की कहानी होगी। तो पहले अब हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। आप बैठ रहे हैं ध्यान में जी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी ध्यान के लिए रेडी हो जाएं। अगर आपको पानी पीना है तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। अपनी, अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार दीजिए। अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और आप कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। अगर आप चौकड़ी मार सकते हैं तो चौकड़ी मार लीजिए, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे सही, पर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शिथिल। और हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी सहज सांसों के साथ हम अपनी सांसों के साक्षी भाव में आ जाएंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई भी विचार आता है तो आप उस विचार से लड़े नहीं, उस विचार को आने दें। और जैसे ही आपको इसकी जागरूकता आए कि मैं विचार, मेरे मन में सोच आ रही है, तो आप उसको तुरंत ही अपने श्वासों पे ध्यान को वापस ले आए। सो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें उस थॉट को बीट करने में। आप सीधा, जैसे जैसे ध्यान आता है, आप वैसे वैसे श्वासों पे आए।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
लास्ट सेकंड Five, four, three, two, one. आप अपनी हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पे ले जाएं और धीरे धीरे जब आप रेडी हो तब आप अपनी आंखें खोलें. थैंक यू पूजा जी, बहुत प्यारा ध्यान और बहुत एक्साइटेड हैं आज सभी लोग कृष्ण और रुक्मिणी की एनर्जी में सरोबार होने के लिए. तो ओवर टू यू. थैंक यू नीता जी. तो फ्रेंड्स, दीना मरियम कुछ महीने पहले ज्ञान भारत में आई थी, तो उन्होंने शेयर किया था कि वो ये अपनी जो कहानियां है वो कैसे लिखती हैं, और उन्होंने ये बहुत क्लियरली बताया था कि वो टाइम ट्रेवल करती हैं. इन अदर वर्ड्स, जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं कि अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा करके वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखती हैं और उन मेमोरीज के जैसे जैसे वो ध्यान में बैठती हैं वो ट्रेवल करती हैं और फिर उससे साथ साथ लिखती रहती हैं और फिर बाद में वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं. तो इस तरीके से उनकी किताबें लिखी गई हैं. एक हमने एक स्वाध्याय में उनका एक जन्म शेयर किया था जो कि सतयुग में हुआ था, और फिर उसके बाद सीतायन, जो कि आप में से बहुत लोग सीतायन के बारे में जानते हैं, वो त्रेता युग में थी. अब जब हम ये बुक शेयर करेंगे इसमें जब जैसे जैसे हम बुक में आगे बढ़ेंगे तो कनेक्शंस जुड़ेंगे वहां पे कि कैसे जो सतयुग का था वो त्रेता में आया और कुछ द्वापर में उनका आया, जैसे वो अपने अपने कर्मास को वो कैसे बैलेंस कर रही हैं. तो एक लिंक दिखाया जाएगा इस किताब में. और दूसरा दूसरा जो डीना है वो ये बहुत क्लियरली कहती है कि वो कोई चैनलिंग नहीं करती है, तो ये इनका पूरा टाइम ट्रेवल है जिस तरीके से ये अपनी मेमोरीज को रिकॉल करती है. इस बुक का नाम द टर्निंग ऑफ द टाइम इसलिए कहा गया क्योंकि इस बुक में ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चौथे दिन पे जब हम स्वाध्याय करेंगे तो महाभारत के बारे में कुछ चीजें आएंगी, जो महाभारत का युद्ध हुआ था. और महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी, तो इसलिए इसका नाम ऐसे कहा गया है कि टर्निंग ऑफ द टाइम. जैसे कि आप इसे अगर हिंदी में हम सोचे तो एक काल चक्र जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो जो कलयुग है शुरू हो रहा है, द्वापर का अंत हो रहा है. कुल मिलाकर ये किताब जो है ये काफी थिक किताब है, करीबन 650 इसमें पेजेस हैं. हम 5 दिन में इसे कवर करेंगे तो करीबन आप लगा लीजिए ऑन एवरेज 130 पेजेस को हम आज 1 घंटे में आपके सामने लेकर आएंगे.
बहुत मुश्किल था ये देखना इस किताब को, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। जैसे सीतायन में आप एक पेज भी नहीं छोड़ सकते, इस किताब में भी आप एक भी पेज नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी पूरी किताब तो नहीं सामने रख सकते। तो कोशिश मैंने पूरी की कि आप तक इस किताब का एक सार और उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस किताब की। मैंने अपने हिंदी में नोट्स बनाए हैं, ये इंग्लिश में किताब है, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इन नोट्स को पढ़ना शुरू करूंगी। किसी समय पे आप लोगों को लगे कि बहुत तेज जा रहा है या समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे रोक लीजिएगा। तो अब हम पहले चलेंगे भूमिका भूमिका की ओर, कि डीना क्या लिखती है। तो अब यहाँ पे डीना बोल रही है। तो दीना कहती है कि यह मेरा सीता माता के प्रति प्रेम ही था कि जिसने मुझे रुक्मिणी की कहानी लिखने के लिए प्रेरणा दी। रुक्मिणी और कोई नहीं बल्कि सीता का ही अगला जन्म एवं नारायणी का अवतार था। परंपरागत रामायण की कहानी में यद्यपि सीता की कहानी को जगह जगह मूक कर दिया गया, परंतु रुक्मिणी की कहानी को इतिहास में से गायब ही कर दिया गया। लेकिन फिर भी उस समय के घटनाक्रम में रुक्मिणी का एक गहन प्रभाव था। आगे डीना कहती है कि किसी भी डिविनिटी को या किसी डिवाइन सोल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अपने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक यादों में उतरना होता है, क्योंकि जो भी किताबों में कैप्चर किया जाता है, हमारे ग्रंथों में कैप्चर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस उसकी अमेंडमेंट हो जाती है, वो चेंज कर दिया जाता है। तो ये कहती है कि जब हम अपनी यादों में उतरते हैं तो एक एक सच की तस्वीर आपके सामने आती है। इसमें दीना कहती है कि महाभारत के काव्य में, जैसे वो एक एग्जाम्पल देती है, कहती है महाभारत के काव्य में जो अर्जुन थे वो एक महान योद्धा थे, लेकिन एक और अर्जुन थे जिन्होंने अपने आप को पूर्णतया नारायणी के लिए अर्पित किया था, नारायणी जो उस समय रुक्मिणी बनकर आई थी। तो हम जब थर्ड डे का स्वाध्याय करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस अर्जुन का एक और फॉर्म था, उन्हें किस तरह से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की दी गई थी श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों के द्वारा। अब आगे डीना जो है, जैसे कि हमने पहले बहुत बार ये बताया कि जो डीना है वो परमहंस योगानंद को अपना गुरु मानती है, तो ये कहती है आगे कि जो मेरे गुरु थे योगानंद, उनमें मैंने यही समर्पण देखा था। उनके पूरे जीवन में उनकी हर एक श्वास जो थी वो नारायणी को ही अर्पित थी। जैसे कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आप पढ़ते हैं तो उसमें वो दिव्य माता के बारे में, डिवाइन मदर के बारे में बहुत बोलते हैं। आगे दीना कहती है कि योगानंद थे जिन्होंने इस जीवन में मेरी इन यादों को जागृत किया है और मेरे इस प्रेम को जागृत किया है, और वह ही मेरे सारे लेखन कार्य के उत्प्रेरक हैं एवं प्रेरणा स्रोत हैं। ये कहानी आपको एक नृत्यांगना बताएगी, जो एक नर्तकी है जो कि प्राचीन द्वारका में रहती है। द्वारका एक शहर जो भारत के पश्चिमी तट पर बसा था। दीना कहती है कि कुछ साल पहले जब मैं एक ट्रिगर मिला और धीरे धीरे मेरी ये यादें खुलकर सामने आई। इस किताब में आप ये पाएंगे कि किस तरह से रुक्मिणी ने अपने आसपास के लोगों को उनके कर्मों की भुक्ति करने में सहायता की। दीना ये भी कहती है कि मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि ओमनी प्रेजेंस और ओमनीसियंस क्या होती है। तो ओमनी प्रेजेंस मतलब सर्वव्यापी होना और ओमनीसियंस मतलब कि सर्वज्ञता। तो इन गुणों को भी उन इन गुणों को कैसे रुक्मिणी ने अपने जीवन में अलग अलग घटनाओं से व्यक्त किया, हम आगे ये भी जानेंगे। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि सीता माता के जीवन में भी होते थे। एक और चीज जो इस किताब में वो कवर करती है दीना, वो ये कहती है कि समय और काल दोनों ही भ्रम हैं। मतलब वो टाइम और स्पेस को एक इल्यूजन बता रही हैं, जो कि हम बहुत बार सुनते हैं जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही सिंपल कहानी के द्वारा हम आगे ये जानेंगे कि किस तरीके से समय और काल दोनों ही एक इल्यूजन होते हैं। उन्होंने कहा कि नारायण के अवतार श्री कृष्ण एक ही समय पर कई जगह में और कई लोकों पे विद्यमान होते थे, और ऐसा ही नारायणी और रुक्मिणी के लिए भी सच था। तो इसलिए हम साधारण जन जन के लिए ये कहना, ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। इस वास्तविकता को समझना ही अर्जुन की प्रखंड उपलब्धि थी जो कि उन्हें भगवद्गीता के द्वारा मिली। तो चलिए अब हम ऐसा कह ये जो थी
डीना ने एक इंट्रो दी है, अब इंट्रो के बाद हम सीधा थोड़ा सा और वो लिखती हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक में हम और क्या कवर करेंगे। वो कहती है कि मैंने अपनी हर किताब में आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ कर्मा, जो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है। कभी मैं अपनी यादों में उतरती हूँ, कभी मैं एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा करती हूँ, और कभी मैं उस सब बिंदुओं को जोड़कर अपने सब जटिल संस्कारों, सोच और इच्छाओं के जाल को समझकर आप लोगों के सामने एक कहानी की तरह रखती हूँ, ताकि आप ये समझें, आप मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोग ये सीखें कि जो कर्म का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारे अंदर हमारी वृत्तियां इतनी इतनी डीप गई होती हैं, और किस तरह से वो हमारे बिहेवियर में आके स्पष्ट होती हैं। फिर आगे वो बहुत ही प्यारा एक कुछ सेंटेंस लिखती हैं धर्म के बारे में। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि एक अमेरिकन ऑथर है, वो इतना गूढ़ हिंदी, मतलब इतना डीप, नॉट हिंदी, इतना डीप लिखती है, और वो भी इंडियन कल्चर और इंडियन और धर्म के बारे में। तो लिखती है कि धर्म के साथ जो भी कार्य आप संतुलित रूप से करते हैं, तो वो आपके सामने जो परिणाम लाते हैं वो भी धार्मिक होते हैं, और इस तरीके से विश्व की ये ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। परंतु जो कार्य धर्म के अनुसार नहीं होते, वह इस ऊर्जा के संतुलन का अवरोध करते हैं, और परिणाम स्वरूप उसके दुष्प्रभाव होते हैं। अब ये दुष्प्रभाव कैसे और कब प्रकट होंगे, इसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। कहती है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जो सीता और रुक्मिणी के द्वारा किया गया था, कि किस तरीके से उन्होंने मेरे पूर्व जन्म के कार्मिक संस्कारों से ऊपर उठने के लिए और कुछ कर्मों की भुक्ति के लिए उन्होंने उन कर्मों को उस समय तक स्थगित कर दिया जिस समय तक मेरी आत्मा उसे अपनी जागृति के लिए उपयोग करने में सक्षम नहीं हो गई। तो इसका अगर आप पूरा कंसेप्ट समझना चाहेंगे तो एक किताब है इनकी, When the Bright Moon Rises, उसमें जो डीना थी उस समय पे, ये सत्युग के समय की बात है, वैदिक काल की, तो डीना उस समय एक सुंदरी नामक एक लड़की होती है और इनकी एक बहन होती है प्रेमा। तो इन दोनों को एक श्राप मिलता है, एक कर्स मिलता है, और वो जो कर्ज होता है, वो जो सुंदरी जब मीनाक्षी बन के पैदा होती है मिथिला में, तो इसका तब पूरा होता है, और उसकी बहन जो प्रेमा जब आगे आएगी अम्बा बन के, इसका इस द्वापर में पूरा होगा। तो इसलिए वो ये रेफरेंस दे रहे हैं इस चीज का। और अब बिल्कुल एंड में वो कहती है कि मैं हमेशा अपने आप से प्रश्न करती हूँ कि क्यों जो नारी शक्ति है वो कहीं ना कहीं एक छाया की तरह ही रह गई, क्यों हमारी कहानियों ने उतना अधिकार और उतना श्रेय स्त्री पात्रों को नहीं दिया जितना कि पुरुष पात्रों को दिया गया। कहती है, मुझे इस बात का बहुत गहन एहसास है कि ये श्री राम थे कि जिन्होंने मुझे सीतायन की प्रेरणा दी। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो श्री कृष्ण ने मुझे धीरे से कहा, वह जो ये सोचते हैं कि वो मुझे जानते हैं पर उसे नहीं जानते, वह वास्तविकता में मुझे भी नहीं जानते। तो उनके गहन प्रेम को सजगता पूर्ण समझना ही उनकी शाश्वत लीला में हमारी भागीदारी है। तो ये थी सारी इंट्रो। ये इंट्रो इसलिए बहुत जरूरी थी ताकि आप को एक रेफरेंस मिल जाए कि हम आगे क्या क्या कवर करेंगे। बड़े डीप हम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, लेकिन एक कहानी की तरह, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस जो ये पात्र हैं, जो जिनका नाम है मालिनी, जो कि द्वापर युग में पैदा हुई हैं, हम अब उनकी भाषा में बात करेंगे। तो अब हम लेके जा रहे हैं आपको प्राचीन भारत के द्वारिका कैसी एक नगर था और उसमें जीवन कैसा था। द्वापर युग समाप्ति की ओर है और कुछ लोगों का कहना है कि यही कारण है कि हमारे नैतिक मूल्य अब गिर गए हैं। समाज में हिंसा बढ़ रही है, वर्ण व्यवस्था समाज में पूरी तरह से व्याप्त है। दो भिन्न संप्रदायों के आपसी संबंधों को समाज अब प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन यही वह समय है जब कला और कलाकारों का बहुत विकास हो रहा है, जैसे कि पूरी मानव जाति की चेतना अब आंतरिक से बाह्य जगत में स्थापित हो गई है। हम नए नए आयामों और नए नए तरीके से सुंदरता को अपनी कला के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारा शहर विस्तृत हो रहा है और व्यापार और भी अधिक हो रहा है, और उससे हमारे समाज में नए विचारों का प्रतिपादन और नई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मैं मालिनी हूँ, मैं पैदा हुई हूँ उन्नतिशील द्वारका में, यदुवंश के कलाकारों के संप्रदाय में। मेरा परिवार
मौलिक रूप से विदर्भ से आया है जो कि दक्षिण दिशा में है, और मेरे सभी पूर्वज वहां पर एक गांव में नृत्यकार थे। उसके बाद जब हमारी राजकुमारी रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण से हो गई, हमारा संप्रदाय द्वारका आ गया। उस समय बहुत से कलाकारों के संप्रदाय विदर्भ से द्वारका आ गए थे हमारी राजकुमारी के साथ ही, क्योंकि रुक्मिणी को कला एवं कला के सभी ही रूपों से अत्यंत प्रेम था। हम उनके साथ कहीं भी जाने को तैयार थे और अंततः हम द्वारका में आकर बस गए। द्वारका जो कि अत्यधिक सुंदर शहर है, यह एक नर निर्मित शहर है जो कि श्री कृष्ण के द्वारा संयोजित किया गया है। हमारे शहर के भवन अत्यंत ही भव्य और सफेद रंग के हैं। कुछ भवन बहुमंजिला हैं और कतार में गलियों से लगे हुए हैं। हमारे बाजारों में तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री होती है जो कि बहुत सारे यात्रियों को दूर दूर से खींचकर लाती है। और हमारे मंदिर बहुत ही भव्य हैं। कितने ही मंदिर बहुत ही सूक्ष्म परिकल्पना से बने हुए हैं, कुछ में चांदी, कुछ में स्वर्ण और बहुआयामी रत्न जड़े हैं। सूर्य के तेज प्रकाश में वे अलौकिक प्रतिबिंबित होते हैं और हमारे शहर की शोभा बढ़ाते हैं। मेरे पैदा होने से पहले द्वारका को कई शत्रुओं से खतरा था, इसलिए शहर के द्वार बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे ताकि किसी की भी कुदृष्टि से द्वारका की रक्षा की जा सके। पर जिस समय मेरा जन्म हुआ तब तक ये शत्रु समाप्त हो चुके थे और अब कड़ी सुरक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं थी, तो हमारे शहर के द्वार अब दिन और रात हमेशा खुले रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी समुद्र तट पर जा सकते हैं। मालिनी कहती है कि जहां मैं रहती हूँ ये एक छोटा सा एक लघु और अत्यंत आकर्षक क्षेत्र है। यहाँ कलाकारों, संगीतकारों और नृत्यकर्ताओं के समूह अपने परिवारों के साथ रहते हैं। हमारे छोटे छोटे एक मंजिला मकान हैं जो कि गलियों में कतारों की तरह लगे हुए हैं। हमारे शहर की गलियों में बहुत सारे लहलहाते फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं जो कि द्वारका की परिकल्पना में रुक्मिणी देवी का योगदान है। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम, उनके प्रेम की तुलना सिर्फ कला के प्रति उनके प्रेम से ही की जा सकती है। हमारा छोटा सा समुदाय नर्तक और संगीतकारों का हम इकट्ठे ही भ्रमण करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो अब हम बताएंगे इस मालिनी की परिवार के बारे में कि मालिनी एक छोटी सी बच्ची है, वो जिस तरीके से बात कर रही हैं और अभी बताती हैं कि इनका परिवार है उसमें कौन है। ये कहती हैं कि मेरी माँ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। वो ये कहती हैं कि हम सबको पृथ्वी पर उतनी ही सुंदरता की आकांक्षा करनी चाहिए जितने की सुंदर अन्य लोग हैं। इनकी माँ जो है वो एक नृत्यांगना है। वो ये कहती है कि अपनी माँ से मैंने ये सीखा कि किस तरीके से उनकी आंखें बिना कहे ही कही कई कहानियां कह देती हैं। एक छोटी सी उम्र से ही उनकी आंखों को, उनके चेहरे के हाव भाव और उनके भाव भंगिमाओं को मैं बहुत ध्यान से देखा करती थी और उनमें छुपे उन गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करती थी। मेरी माँ मेरे लिए आदर्श थी और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी। देखने में मेरी माँ बहुत सुंदर थी और वो सब नृत्यकारों में अलग ही दिखाई पड़ती थी। उनके सुंदर कपड़े पहनने का तरीका भी उनकी रचनात्मक सोच से ही आता था। तो मेरी आंखों में मेरी माँ शालीनता, सृजनशीलता और दक्षता की प्रतिमूर्ति थी। मेरी माँ को सब लोग बहुत पसंद करते थे, इसके वजह से उनके नृत्य की बहुत मांग थी। हम पूरे बचपन में हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कभी कभी द्वारका में और कभी कभी द्वारका के आसपास लगे अन्य शहर और गांव में। मेरे पिता बहुत प्रभावशाली पुरुष नहीं थे, वह हमेशा ही महेंद्र जो कि हमारे समुदाय का मुखिया था उसकी सहायता करते थे। महेंद्र एक दुष्ट व्यक्ति था जो कि नृत्यकारों से बहुत काम कराता था और हमेशा ही मेरी माँ पर एक बुरी नजर रखता था। मेरी माँ ने कई बार उससे मेरे पिता से शिकायत की, पर मेरे पिता उसके बचाव में आके कहते कि महेंद्र की वजह से ही हमें ये मौका मिलता है कि हम जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर पाएं। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे महेंद्र से घृणा होने लगी। मैं ये साफ देख सकती थी कि वो किस नजरों से मेरी माँ की ओर देखता है, तो छोटी उम्र से ही मैंने उससे एक दूरी बना ली। मेरा एक भाई भी था जिसका नाम था अभिषेक। अभिषेक मुझसे 5 साल बड़ा था। बचपन से ही उसकी कला में कोई रुचि नहीं थी, उसकी रुचि शस्त्रों में थी।
छोटी ही उम्र में उसने अपने लिए एक धनुष बाण बनाया था और वो उसे जगह जगह लेकर घूमता था। अभिषेक मेरा बहुत बहुत अच्छा मित्र था। हमने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे की जरूरत का ध्यान नहीं रखा। जब भी माँ नृत्य का अभ्यास करने में व्यस्त रहती तो अभिषेक ही मेरा ध्यान रखता था। कई बार हमें अभिषेक को याद कराना पड़ता था कि अभिषेक, हम तो नर्तक और कलाकार हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं। और एक दिन मेरे पिता ने बहुत क्रोध में अभिषेक को कहा कि अभिषेक, किसी को भी हमारे संप्रदाय में ये नहीं पता लगना चाहिए कि तुम शस्त्र को चलाना पसंद करते हो। ऐसा होने से हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये थी छोटा सा लंबा सा एक इंट्रो मालिनी और उसके परिवार का, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आगे। और फिर एक बहुत एक इसमें पूरी बुक में एक जो पूरा बहाव आता है वो इस ऐसे आता है कि जो मालिनी और उसकी जो मदर हैं, इसकी मदर इसको बहुत सारी स्टोरीज सुनाती हैं, अपने बचपन की स्टोरीज सुनाती हैं। तो इन मालिनी की जो मदर है ये विदर्भ से हैं, जहाँ से रुक्मणी भी है, और ये उम्र में भी रुक्मणी के बराबर है। तो ये अब इसे कुछ कहानियां सुनाएंगी जो कि आगे जाके मालिनी के एक एक आध्यात्मिक जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगी। तो अब हम थोड़ा सा वो सुनते हैं कि उसकी मदर ने उसे क्या क्या कहानियां सुनाई। तो मालिनी कहती है कि माँ को हम अम्मा कहते थे। अम्मा को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। वह ऐसी कहानियां सुनाती थी जो विदर्भ में बिताए गए उनके बचपन के बारे में होती थी, और वो हमेशा ही रुक्मणी के बारे में बहुत कहानियां सुनाती थी। तो वो कहती हैं कि एक बार उन्होंने मुझे बताया कि हमारी राजकुमारी भी श्री कृष्ण के समान उतनी ही नटखट थी, सिर्फ उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं थी घूमने की जितने की श्री कृष्ण को थी। हमारी राजकुमारी को बहुत ही निगरानी में रखा जाता था और महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पर फिर भी उन्हें बहुत पसंद था छुप छुप कर आना और नृत्य और गायन के प्रदर्शनों को देखना। एक दिन एक प्रदर्शन के दौरान मैंने देखा, तो ये यहाँ पे इसकी मदर बोल रही हैं, इनका नाम दर्शना है, तो दर्शना बता रही हैं, कहानी सुना रही हैं मालिनी को, कि एक दिन मैंने देखा कि एक नृत्य का समारोह हो रहा है और दर्शकों में राजकुमारी विद्यमान है। पता नहीं मैं उन्हें कैसे पहचान गई, शायद इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी और शायद इसलिए भी कि उनके चेहरे पर एक बहुत तेज था। मैंने ये भी सुना है कि जब भी राजकुमारी महल से भाग सुना था कि जब भी राजकुमारी महल से भागती हैं तो वह एक ग्रामीण युवती की वेशभूषा में होती हैं। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं तुरंत पहचान गई कि ये तो हमारी राजकुमारी ही है। इतने में मैंने उन सैनिकों को देखा जो कि उन्हें ढूंढ रहे थे, तो मुझे एकदम से लगा कि मुझे इनको सुरक्षित करना चाहिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनका हाथ पकड़ा और उनके कानों में मैंने बोला, राजकुमारी मेरे साथ चलिए, मुझे एक ऐसा छुपा हुआ रास्ता पता है जहां से निकल के आप भाग सकती हैं। मैंने उन्हें उंगली के इशारे से बताया और उन्हें वहां ले गई जहां से वो महल के पिछले भाग में प्रवेश कर सकती थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने वो मेरी ओर मुड़ी और उन्होंने बोला, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने बोला, मेरा नाम दर्शना है। उन्होंने कहा, दर्शना मैं हमेशा ये याद रखूंगी और एक दिन मैं तुम्हारी इस दयालुता को अवश्य ही पे बैक करूंगी। इससे पहले कि मैं कह पाती कि माता, यह जरूरी नहीं है, वह जा चुकी थी। धीरे धीरे जैसे रुक्मणी बड़ी होती हैं तो उनका झुकाव दिखाया है कि कला की ओर बहुत है, तो बहुत बार अपनी अपनी असलियत को छुपा करके वो साधारण नागरिक बन के लोगों के बीच में जाके वो मिंगल करती थी और बहुत कला के प्रदर्शनों को देखती थी। तो उनकी निगरानी के लिए बहुत सैनिक रखे जाते थे, कई ताले लगाए जाते थे, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह सब चीजों से बचकर निकल जाती थी। तो जो मालिनी की मदर है वो कहती है कि ऐसे ही मैं उन्हें 2 बार और मिली। एक बार कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में जैसे कि पहली बार था, जब वो छुप छुप छिपा के आई थी और उन्हें सैनिक ढूंढ रहे थे, और दूसरी बार वो तब मिली जब वो कहती है कि हम विदर्भ राज्य की राजधानी कुंदनपुरी के पास एक गांव में प्रदर्शन के लिए गए थे। त्योहार का समय था और हम एक दिन रुक गए थे एक बहुत प्रसिद्ध गायक का गाना सुनने के लिए। तो रुक्मणी देवी भी उस गायक को सुनने के लिए आई थी। वो गायक ऐसे थे, ऐसा लगता था मानो कि कोई गंधर्व ही वो गाना रुक्मणी देवी को सुनाने के लिए आए हैं। तो
तो दर्शना यहाँ पे कहती है कि पता नहीं वह गाना इतना अद्भुत क्यों था। ऐसा लगता है कि जैसे वो गाना पृथ्वी का नहीं बल्कि पारलौकिक है। और कहती है कि मालिनी, जब तुम और अभिषेक दोनों छोटे थे, मैं तुम्हें ये गाना बहुत बार सुनाया करती थी। ये वही गाना था। ये उस समय का बहुत प्रचलित गाना है और इसे मैं कभी भी नहीं भूलना चाहती, क्योंकि इस गाने के द्वारा मुझे ये एहसास होता है कि हमारी राजकुमारी हमारे पास ही है और वो हमेशा ही हमें आशीर्वाद दे रही है। तो एक दिन अम्मा ने कहा कि मालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास वजह ही है कि हमारी राजकुमारी रुक्मिणी ने विदर्भ में जन्म लिया। तो मालिनी पूछती है कि आपका क्या मतलब है। तो आगे से ये बोलती है कि उसकी माँ बोलती है कि जो विदर्भ है वो राजा दशरथ की माता का जन्म स्थान है, श्री राम की जो दादी हुई उनका जन्म स्थान है, और वो उनकी दादी उनको बहुत प्यार करती थी। जब श्री राम और सीता वनवास के लिए गए, वनवास के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तो वह रास्ते में विदर्भ में रुके थे और वहां पे रुक करके उन्होंने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया था। यहीं पर श्री राम और सीता देवी ने वरदायिनी नदी को प्रार्थना की थी। जब श्री राम और सीता देवी ने नदी के किनारे प्रार्थना की थी, तो वरदायिनी देवी ने उन्हें दर्शन दिया था और श्री राम को वह दिव्य शक्ति एवं अस्त्र प्रदान किया था जिससे उन्होंने रावण को मारा था। यह एक साधारण अस्त्र नहीं था, यह इसमें देवी पार्वती, सरस्वती और महालक्ष्मी की ऊर्जा को समाहित किया गया था। और विदर्भ ही योगिनी लोक मुद्रा का जन्म स्थान भी है, और जो लोक मुद्रा थी वो सीता की बहुत नजदीकी थी। वो कहती है, मैंने ये भी सुना है कि जब रुक्मणी बहुत छोटी थी तो वो वरदायिनी नदी के तट पर जाया करती थी और जाकर के उसे धन्यवाद देती थी। इतने वर्षों के बाद भी हमारी राजकुमारी उस उपकार को भूली नहीं है। वरदायिनी नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है और सर्वविदित है कि गोदावरी जो थी वो सीता की पुत्री के समान थी। तो यही कुछ खास कारण है, उनकी मदर उन्हें बताती है, कि सीता ने विदर्भ में, सॉरी, रुक्मणी ने विदर्भ में जन्म लिया है। अब मालिनी बोलती है कि बचपन में ये सब कहानियां सुनते सुनते मुझे रुक्मिणी के प्रति बहुत सम्मान का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि वो कितनी स्वतंत्र है, कितनी साहसी है, पर किसी ना किसी वजह से मैं अम्मा की बताई गई वो रहस्यमय शक्तियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। हालांकि मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी अम्मा अपनी राजकुमारी से थोड़ी ज्यादा ही प्रभावित है, इसलिए शायद वो बढ़ा चढ़ा करके बात करती है। एक दिन मैंने अम्मा से पूछा कि हम लोग रुक्मणी के साथ विदर्भ को छोड़कर द्वारका क्यों आ गए। तो अम्मा ने कहा कि हमारे राजकुमार जो रुक्मी थे, उनकी रुचि सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ही ज्यादा थी। वो अपने धन को एकत्रित करने में ही ज्यादा लीन रहते थे और कला और सुंदरता को महत्व नहीं देते थे, जबकि रुक्मणी कला और सुंदरता के उत्थान के लिए बहुत प्रगतिशील विचार रखती थी। यही कारण था कि राजकुमारी का विवाह श्री कृष्ण के होने के बाद बहुत सारे कलाकारों के समूह द्वारका में आकर ही बस गए। तो अम्मा की इन कहानियों के साथ मालिनी का जो बचपन है वो आगे बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है। अब मालिनी करीबन इस समय 8 वर्ष की हो गई है। वो कहती है कि एक दिन हमारे घर का जो माहौल था उसमें थोड़ा तनाव था और मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताने वाली हूँ और ये एक ऐसी बात है जो मैं हमेशा हमेशा चाहती हूँ कि तुम इसे कभी नहीं भूलो, हमेशा याद रखना। उनका स्वर कुछ गंभीर था और मालिनी कहती है कि मैं जो भी कर रही थी उसे छोड़कर मैं उनके पास आ गई और आकर के बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि जैसे कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने कंस का वध किया था। जो कंस था वो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक एक राक्षस था। जब उस राक्षस ने पुनर्जन्म लिया था कंस के रूप में, तो वो नारायण के लिए बहुत ज्यादा नफरत से भरा हुआ था। तो यही कारण था कि उसने शुरू से ही देवकी और वासुदेव पर बहुत अत्याचार किए थे। जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो उन्होंने ये देखा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये देखा कि एक युवती कंस की आत्मा को उसके शरीर से कहीं दूर लेकर जा रही थी ताकि उसके क्रोध रूपी ऊर्जा को नष्ट किया जा सके। यह जो युवती थी ये रुक्मिणी ही थी। तब पहली बार है कृष्ण ये जान गए थे कि जिसे जिस जिस जिसे उनको ढूंढना था उसका जन्म हो चुका था। तो ये वो समय है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ चुके हैं और द्वारका में रहते हैं, और उस समय वो ढूंढ रहे थे कि जो नारायणी है,
मतलब जो रुक्मणी है, जिनसे उनका भावी विवाह होना है, वो कहाँ पे है। तो वो ये कहती है कि मालिनी, मैं तुम्हें ये सब एक बहुत बड़े कारण के लिए बता रही हूँ। मैं तुम ये हमेशा ही याद रखो कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बुरी चीजें करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं, जैसे कि महेंद्र। शायद वह कंस जितना बुरा नहीं है, पर मेरे लिए वो एक राक्षस ही है। आज मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम उससे हमेशा दूर रहोगी और किसी भी समय तुम उसके साथ अकेली नहीं होगी। जब भी महेंद्र तुम्हारे आसपास हो, हमेशा अभिषेक तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है अभिषेक पर कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अगर फिर भी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो रुक्मणी देवी को याद करना। मत भूलना कि हमारी चरम सुरक्षा वही है। कोई भी बुरी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वही हमारी अंतिम सुरक्षा है। तो उनकी जो मदर है मालिनी की, वो इस समय उसके अंदर एक बड़ा विश्वास जागृत कर रही है कि रुक्मणी जो है वो एक साधारण स्त्री नहीं है, तो वो आपकी रक्षा करेंगी जब आप उन्हें पुकारेंगी। तो मालिनी बोलती है कि मैं घबरा गई। मैंने अम्मा से बोला कि आप अचानक से मुझे ये सब क्यों कह रही हैं। तो आगे से अम्मा ने बोला, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं रहूंगी, पर मैं हमेशा ही रुक्मणी देवी से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई दोनों की रक्षा करें। कभी मत भूलना कि रुक्मणी हमारी राजकुमारी है और वो हमेशा ही हमारा ध्यान रखेंगी। तो मालिनी कहती है कि उनके शब्दों से मैं कुछ डर सी गई थी जब उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि इस सबका क्या मतलब है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो कहती है कि सबके बाद मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया था। जब भी महेंद्र हमारे घर आता था, मेरी माँ हमेशा ही उसकी नजरों से बचा करके मुझे अभिषेक के साथ घर से बाहर भेज देती थी। जब भी वो हमारे घर आता था तो मेरी अम्मा के चेहरे पर एक व्याकुलता आ जाती थी। तो अब एक बहुत सुंदर सा एक छोटा सा एपिसोड है इनके और इनके भाई के बीच में। एक दिन ये कहती हैं कि मैं और अभिषेक बैठे थे और मैंने अभिषेक से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि माँ रुक्मणी देवी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहानियां सुनाती है, तुम्हें उस पर विश्वास होता है? तो महेंद्र सॉरी तो अभिषेक बोलता है कि मुझे अम्मा के हर शब्द पे विश्वास है। ये सच है कि रुक्मणी जो है वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, और सब लोग कहते हैं कि वो एक देवी है। तो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि उस समय कि कुछ लोग थे जो ये पूरा विश्वास करते थे कि जो रुक्मणी है वो नारायणी ही है या सीता का ही पुनर्जन्म है, लेकिन कुछ लोग थे कि उनको डाउट रहता था कि ये है या नहीं है। तो ये दिखाया कि जैसे हमारी मनस्थिति है वैसे ही हम चीज को परसीव कर रहे हैं। तो एक दिन अभिषेक ने कहा कि क्या तुमने रुक्मिणी देवी को देखा है? तो इसने बोला कि नहीं। तो फिर अभिषेक क्या करता है कि बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें दिखाने लेके जाऊंगा। तो किसी कोई त्योहार आता है तो सुबह सुबह अभिषेक उठा करके, अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, इसे लेकर के अपनी बहन को समुद्र के तट पर आ जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो कहती है मालिनी कि मैंने देखा कि दूर से एक बहुत ही सुंदर समुद्री जहाज आ रहा था जो पूरी तरह से फूलों से सुसज्जित था। वो तट की ओर आ रहा था। हमें पता लग गया कि इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी ही होंगे। हम सब जानते हैं कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया था तो उन्होंने एक महल समुद्रों के बीचों बीच एक द्वीप पर बनाया था ताकि उनका परिवार उनके शत्रुओं से सुरक्षित रह सके। त्योहार के दिन पर मंदिर के समारोह में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी हमेशा ही ऐसे जहाज पर बैठ करके आते थे। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये बड़ा ही सुंदर एक जहाज आ रहा है, तो ये कहती है कि हम नारियल के पेड़ों के पीछे छुप गए और अब टुकटुकी बांध करके हम देखने लगे। फिर उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पहले श्री कृष्ण उतरते हैं, फिर रुक्मिणी देवी उतरती हैं, और फिर कैसे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर, रुक्मिणी जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर पानी फेंकती हैं और श्री कृष्ण है वो भी पानी फेंकते हैं। तो ये दिखाया है कि वो कैसे बच्चों की तरह आपस में खेल रहे हैं, कि वो कितने आनंदित हैं। तो ये देख करके ये दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये तो बच्चे ही हैं, और ये सोचते हैं कि अरे बड़े भी ये लोग भी ऐसे ही खेलते हैं जो कि मतलब राजा और रानी है या फिर देवी देवता है। तो वो बोलते कि हमें बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर उन्होंने एक खेल खेल के दिखाया। शायद वो जानते थे कि छुपे हुए बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वो अपने एक रथ की ओर बढ़ने लगे। वो रथ उन्हें मंदिर में लेके जाने के लिए वहां पे खड़ा था।
अब हम आते हैं वापस से मालिनी के परिवार की ओर कि एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर अपने अपने एक डांस परफॉर्मेंस से वापस आती हैं, तो वो बहुत ही उदास होती हैं, जो कि साधारणतया ऐसा नहीं होता है, जो कि थोड़ा असामान्य इन्हें लगता है। और उसके बाद वो कहती है कि जो भी दिन मैंने उनके साथ बिताए वो थोड़ा अत्यधिक स्नेहमयी मेरे साथ रहे, और उन्होंने मुझे बार बार इस बात को याद कराती रही कि चाहे कुछ भी हो जाएगा आगे, मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूंगी। तो कहती है मुझे अंदर थोड़ी मैं व्याकुल होने लगी, और एक शाम को मैंने जब देखा तो अभिषेक और मेरी माँ बहुत ही गंभीर होकर कुछ बात कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो दोनों बोलना बंद हो गए। अभिषेक कमरा छोड़ के चला गया, और जाने से पहले मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, और मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलती है ऐसे ही मैं सो गई, रात आई मैं सो गई, जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ घर पे नहीं थी। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, मैं अपने पिताजी के पास गई, मैंने बोला कि पिताजी माँ कहाँ है, तो पिताजी ने कहा वो हमें छोड़कर चली गई है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, वो मोहित के साथ भाग गई है। तो जो मोहित है वो एक अन्य नर्तक है जो इनके ही समुदाय में है, और इनके माता पिता का एक करीबी दोस्त है, वो अविवाहित है। वो कहती है मुझे पता था कि वो मेरी माँ और वो आपस में इकट्ठे डांस करते थे, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मेरी माँ मुझे और अभिषेक को ऐसे छोड़कर चली जाएगी। इतने में अभिषेक आता है, और हालांकि अभिषेक भी बहुत यंग है लेकिन वो काफी मैच्योर उसका कैरेक्टर दिखाया है। अभिषेक बोलता है कि माँ के पास कोई चारा नहीं था मालिनी, अभी तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, पर जब तुम बड़ी होगी तब तुम समझ जाओगी कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। इतने में महेंद्र आता है, और महेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है कि जो दर्शना है वो अब नहीं है, भाग गई है। तो महेंद्र ये कहता है इसके पिता को कि अगर तुम्हें अभी भी इस नर्तक समुदाय में अपनी जगह चाहिए तो तुम्हें अपनी जो बेटी है मालिनी उसकी शादी मुझसे करनी होगी। अब जो इसके पिता है वो बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं, इसके पिता शादी करने को तैयार नहीं होते, लेकिन जो महेंद्र है वो बहुत ही बलपूर्वक मजबूर कर देता है। तो इसके पिता उसके आगे तीन शर्तें रखते हैं, वो कहते हैं कि देखो जब तक ये तीन शर्तों की पूर्ति नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी शादी मालिनी से नहीं करूंगा। पहली शर्त ये कि वो जब तक एकदम एक्सपर्ट डांसर ना बन जाए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो वो एक्सपर्ट जब डांसर बन जाए। दूसरी ये कि वो द्वारका के पैलेस में जा करके अपना प्रदर्शन करें, और तीसरा ये कि जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक महेंद्र उससे हर तरीके से दूर रहेगा और उसके पास नहीं आएगा। तो उसके पिता ये तीन शर्तें रख देते हैं, जो कि एक तरीके से उसका टेम्परेरी एक सिक्योरिटी बन जाती है मालिनी की, और मालिनी जो है डांस में आगे ट्रेन होना शुरू कर देती है। थोड़ा ही समय होता है कि एक दिन उसके पिता उसे बुलाते हैं मालिनी को, और बोलते हैं कि अभिषेक जो है वो हमारा सगा बेटा नहीं है, उसे हमने गोद लिया था, और अब महेंद्र ने उसके सगे माँ बाप को ढूंढ लिया है, तो अब अभिषेक अपने माता पिता के पास चला जाएगा। तो अब ये कहती है कि मैं इतना अंदर से मेरा दिल इतना टूट चुका था, क्योंकि मेरी माँ भी चली गई थी और मेरा भाई जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो भी, मतलब कोई चारा ही नहीं था ना मेरे पिता के पास ना अभिषेक के पास ना मेरे पास, कि वो रोते हुए मुझसे जाते समय कह के गया कि मालिनी चाहे जितनी ही कठिन परिस्थिति हो पर महेंद्र से कभी शादी ना करना। अब मालिनी कहती है समय मेरे लिए समय बदल चुका था, मेरी माँ जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और मेरा भाई दोनों ही मुझसे दूर जा चुके थे। माँ के प्रति मेरा जितना भी प्रेम आदर और सम्मान था अब वो घृणा में बदल गया था, लेकिन अभिषेक के प्रति मेरा प्रेम वैसे का वैसे ही रहा। मैं हर मन ही मन हर समय इंतजार करती रही कि ऐसे ही जब मुझ पे कोई मुसीबत आएगी तो अभिषेक मुझे बचाने आएगा। समय बीतता गया और ये 16 साल की हो गई है मालिनी, और ये कहती है इस समय तक मैं नृत्य में पूरी तरह से पारंगत हो गई थी। तो अब ये है यंग मालिनी, उसका यूथ का समय है। तो वो कहती है कि अब जिंदगी के इस पड़ाव पर मेरी जिंदगी में एक और बदलाव आया। एक नर्तक था जिसका नाम था उद्धव, और हम दोनों इकट्ठे ही डांस करते थे, और हम दोनों में कहीं ना कहीं कुछ एक आकर्षण था, और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे।
एक दिन उद्धव इसको लेके जाता है मालिनी को, और एक सीयर जिसे कहते हैं, एक भविष्य जो भविष्य देख सकते हैं, एक 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 लेडी होती है, एक वुमेन सीयर होती है, उसके पास लेके जाता है। और वो बोलता है कि मेरे परिवार में सब लोग बहुत तारीफ करते हैं इनकी, तो चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाकर आता हूँ। अब आप में से जिन लोगों ने सीतायन पढ़ी है, सीतायन में एक कहानी थी जिसमें ये था कि जब सीता जो जब लवकुश का जन्म हो चुका है, और उस समय जब सीता वन में रहती है, तो एक समय पर एक लड़की अपनी मदर के साथ जा रही होती है, और उससे कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो जो सीता होती है वो उससे बहुत दुखी होती है, वो उसको पूरे तरीके से हील करती हैं, उसके कुछ एक्चुअली तकलीफों को अपने शरीर पे भी ले लेती हैं, और उसकी वो मेमोरी से वो सब हटा देती हैं जो उसकी बुरी यादें होती हैं। तो वो जो लड़की थी जिस जो सीता के सानिध्य में इतने समय तक रही, मतलब वो जो नॉट लड़की, वो जो सोल थी, वो सोल इस समय विदर्भ में भविष्य दृष्टा बन के, मतलब ये सीयर बन के आई हैं, और उनका इतना प्रेम हो जाता है सीता के प्रति कि वो इस जन्म में भी सारी जिंदगी, मतलब रुक्मिणी की कहानियां सुनाती है और सीता की कहानियां सुनाती है सब लोगों को। एट द सेम टाइम ये बहुत प्रिसाइजली फ्यूचर भी देखते हैं, ये फ्यूचर टेलर है। तो ये कहती हैं जो जब मालिनी और उद्धव इनके पास जाते हैं, तो वो ये इसकी ओर देख के कहती हैं कि तुम्हारी माता चली गई है, पर एक दिन रुक्मिणी तुम्हें उसको तुम्हारे पास वापस लेकर आएगी। तुम अपनी एक बिछड़ी हुई बहन से भी मिलोगी और एक और माँ से भी मिलोगी, जिसे तुमने पूर्व जन्म में अस्वीकार कर दिया था। तो इस कर्म को भुक्ति करने में तुम्हारी रुक्मिणी मदद करेगी। अब ये 16 साल की मालिनी है, उसे ये भविष्यवाणियां बताई जा रही है, तो इसे कुछ समझ नहीं आता। मतलब इसको कुछ लाइक आधा समझ में आता, आधा नहीं समझ में आता, क्योंकि ये डीप है थोड़ी। तो साथ ही वो बताती हैं कि उन्होंने जो ये सीयर है, इन्होंने ये बताती हैं कि कुछ कुछ ऐसी कहानियां वो बताती है रुक्मिणी की जो लोगों को पता नहीं होती हैं। जैसे कि सीतायन में सोमा थी, सोमा बहुत सारे सीता की वो चीजें बताती थी कि जो कि साधारण लोग नहीं देख पाते थे। इस तरीके से ही इस किताब में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, और उस समय के ऐसे लोग बताए गए हैं, कुछ ऐसे सोल्स हैं जो कि रुक्मिणी के बारे में लोगों को बताते हैं, क्योंकि रुक्मिणी खुद अपने बारे में ज्यादा प्रदर्शन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें इस मालिनी को बोलती हैं ये सीयर कि सीता माता ने मुझे एक चीज कही थी जो मैं आज तक नहीं भूली। उन्होंने कहा था कि हम मनुष्यों के कुछ नियम हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड के भी कुछ नियम हैं। मनुष्यों के नियम हमेशा ही हमें न्याय प्रदान नहीं करते, लेकिन कभी मत भूलना कि ब्रह्मांड ऐसा करने में कभी भी विफल नहीं होता। इसलिए हमेशा ही ब्रह्मांड पर भरोसा रखो, सबको न्याय अवश्य ही मिलता है। क्योंकि ये देखती है कि ये कितनी दुखी है लड़की, तो वो उसे ऐसे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करती है। चलिए, कुछ साल बीत गए हैं, उद्धव और ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर ये इकट्ठे डांस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे डांस करते हैं एक दोनों जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो कि कुछ इसकी मदर के ही डांसेस हैं। उसमें से दो मेन हैं, एक ये है, एक ऐसा डांस होता है जिसका सीक्वेंस इसकी मदर ने डिजाइन किया होता है मोहित के साथ ही, जिसमें जो कहते हैं कि इसमें डांस में ये दिखाया गया है कि जब पंचवटी में सीता का अपहरण होना था, तो एक रात पहले जो श्री राम और सीता दोनों को यह आभास था कि अगले दिन कुछ घटना घटित होगी, तो उस समय कहते हैं कि जिस एक डांस ऐसे दिखाया गया कि सीता ने अपना प्रेम व्यक्त किया श्री राम के प्रति। और दूसरा जो डांस जो बहुत पॉपुलर था वो था महिषासुर मर्दिनी का, जिसमें कि देवी शक्ति जो है महिषासुर का मर्दन करती है। तो ये दो डांस है जिसके लिए इनको जाना जाना जा रहा है इस समय, मालिनी को भी और उदक को भी। महेंद्र जो है उसे कहीं कहीं इनकी नजदीकियों की थोड़ी भनक मिल जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, छुप करके शादी कर लेते हैं। और एक बार ये प्लान करते हैं, कई बार ये प्लान करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, जैसे कि उसकी मदर भाग गई थी। लेकिन एक रात फिर ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमने सब प्लान कर लिया, इस बार हमने निकलना ही है।
अब कहते हैं कि हम आधी रात को नियत समय पर अपने घर से भागने के लिए जैसे ही थोड़ी दूर आए, हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। कुछ ही क्षणों में कुछ लोग हमारे पास पहुंच गए और उन्होंने उद्धव को पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उद्धव मुझे बार बार आवाज देकर बोल रहा था, मालिनी भागो भागो। इतने में मैंने जैसे ही एक बार और पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक बड़ी तलवार ने उद्धव का सर धड़ से अलग कर दिया है। उसका सर नीचे जमीन पर गिर गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं खड़ी थी या मैं भाग रही थी, शायद मैं भाग रही थी। इतने में अचानक से मेरे कपड़ों में आग लग गई थी, मैं गिर गई थी और शायद मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तो दीना ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब वो उसको मेमोरी में जा रही है तो कह रही है कि जब मैं गिर रही हूँ तो मुझे एक गाना सुनाई दे रहा है। ये वही गाना है जो मेरी माँ मुझे गाती थी। तो इसमें ये इतना, मतलब इतना पेनफुल है ये चैप्टर, साथ में इसमें इतनी ब्यूटी है कि किस तरीके से, चाहे वो ऊपरी तौर पे अपनी मदर से घृणा करने लगी थी, पर फिर भी लाइक अंदर से जब वो इतनी मुसीबत में आ गई थी तो उसको अपनी माँ ही याद आ रही थी, और वही गाना ही जैसे एक तरीके से उसका कवच बन रहा था इस समय पे। तो वो उसके बाद, इसको कुछ नहीं पता ये उसकी मतलब क्या हो रहा है कि ये सबकॉन्शियस में सुनाई दे रहा है क्या है, इसको कुछ नहीं पता है, बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंखें खुलती हैं अब तो इसके आसपास कुछ औरतें होती हैं और वो किसी कमरे में है, और एक युवती इसके पास है। तो वो युवती कहती है कि मेरा नाम अम्बा है, तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो मालिनी कुछ जवाब नहीं देती। तो अम्बा उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ आए 7 हफ्ते हो चुके हैं, तुम्हारी टांगे बुरी तरह से झुलस गई थी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे अच्छी तरीके से इसका उपचार कर दिया है और तुम्हारी देखभाल हो रही है, तुम जल्दी ही चलने फिरने लगोगी। और एक और बात, जो तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, तो जो मालिनी है वो प्रेग्नेंट है इस समय पे। और इतने में मालिनी बस इतना पूछती है कि मैं कहाँ हूँ? तो अम्बा कहती है तुम माता के संरक्षण में हो। तो अम्बा बोलती है माता, ऐसे करके कि माता कौन? तो अम्बा सॉरी मालिनी बोलती है कि माता कौन? तो अम्बा बोलती है सभी उन्हें माता ही कहते हैं, पर हम रुक्मिणी देवी की बात कर रहे हैं, तो महल के ही एक हिस्से में हो। इस महल के हिस्से को उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जो जरूरतमंद है। इतने में बात करते करते मालिनी को एक जन से वो याद आ जाता है कि कैसे उसने उद्धव का मर्डर होते हुए देखा है, और वो जोर जोर से रोने लगती है। और फिर दिखाते हैं कि इस कुछ समय में जो अम्बा है इसकी पूरी तरह से सेवा करती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी उसे पूरा सपोर्ट करती है। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन रुक्मिणी इससे मिलने के लिए आती है। तो अब जब ये पहली बार रुक्मिणी को देखती है मालिनी, तो इसने बड़ा अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है, दिखाया है कि रुक्मिणी जो थी वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत ही इंट्रिकेट, एक महीन मतलब काम वाले उन्होंने कपड़े पहने थे और ऐसी ही ज्वेलरी पहनी थी, बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी थी उन्होंने, वो बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव थी, और उनकी जो आईज थी वो सबसे ज्यादा मतलब उनमें बहुत अभिव्यक्ति थी। तो रुक्मणी आती है और रुक्मणी आकर के इसको बोलती है कि अब जो भी तुम्हारा हुआ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हें इस समय बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। तुम मत भूलो कि तुम्हारे इस समय तुम्हारे गर्भ में भी एक और जीवन है, और वो आगे तुम्हें चलकर बहुत खुशियां देने वाला है, और तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम इसे ऐसे समझ के चलो कि एक अध्याय खत्म हुआ है और दूसरा अध्याय शुरू हो गया है, और तुम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो इन्हीं क्वार्टर्स में, और मैं नहीं चाहती कि महेंद्र तुम्हें पहचाने, तुम बाहर जाओ और वो फिर से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो अम्बा यहाँ पे तुम्हारा पूरा ध्यान करेगी, तुम यहीं पे रुको। और ये एक और चीज कहती है रुक्मणी कि अब हम तुम्हें मालिनी नहीं बुलाएंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो इतने में अम्बा बोलती है कि मेरी एक बहन थी सुजाता, जो कि अब नहीं है, तो हम इसका नाम सुजाता रखते हैं। तो ये कुछ नहीं कहती, ये थोड़ी डिप्रेस्ड है मालिनी, तो इसका नाम जो है वो सुजाता रख दिया जाता है। तो
ये जो ये दिखाया है कि जब श्री कृष्ण ने एक नए महल का निर्माण कर दिया था रुक्मिणी के लिए, तो ये पुराना महल था जो कि शहर शहर की तरफ था, मतलब समुद्र के बीच में नहीं है ये वाला महल। और इस महल का एक पिछला हिस्सा था जिसमें बहुत सारे जो एरिया था रहने का, वो रुक्मिणी देवी के संरक्षण में चलता था, और उन्होंने वो उसे यूज करती थी। एक तरफ उन्होंने विमेन क्वार्टर्स बना दिए थे और एक तरफ उन्होंने मेंस क्वार्टर बना दिए थे कि जो भी समाज द्वारा पीड़ित पीड़ित लोग थे उनके उद्धार के लिए वो लोग यहाँ आते थे और रहते थे। तो उसमें कई ऐसी लेडीज की स्टोरी है जिन्होंने जिन्हें सोसाइटी ने समाज द्वारा जिनका त्याग हो जाता है, कुछ इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि उनका बच्चा नहीं होता, उस समय की समाज की मानसिकता दिखा रहे हैं कि कुछ इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि उनका पति मतलब उनको मारपीट करता है और दूसरी शादी कर लेता है। तो ये सब दिखाया है कि उस समय विमेन का ये सब चल रहा था, कुछ इसलिए भी कि वो डिसेबल्ड होती है, सिर्फ इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। तो कुछ लोग कुछ हफ्तों तक रहते हैं, कुछ महीनों तो कुछ वर्षों तक रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, जहां जितना समय उनको वहां रहना उतना समय वो वहां पे रहते हैं। जो अम्बा है जो इसकी केयर टेक कर रही है पूरी, सुजाता, अब मालिनी सुजाता बन गई है यहाँ पे। तो अम्बा कहती है कि मेरे पति क्षत्रिय हैं और वो नारायणी सेना में एक हाई पोजीशन पे हैं, और मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है, दोनों बेटे गुरुकुल में इस समय शिक्षा के लिए गए हैं, और जो मेरी बेटी है वो 2 साल की है, उसका नाम है काशनी। काशनी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड है, इसकी स्टोरी हम आगे खोलेंगे, लेकिन छोटी 3 साल की उम्र में ही ये कभी कभी रोने लगती थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें देख लेती थी जो फ्यूचर में होने वाली थी लेकिन, और देख के घबरा जाती थी। तो हम आगे काशनी के बारे में और जानेंगे। एक और कैरेक्टर आएगा इस कहानी में जिसका नाम है अंजलि। अंजलि को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोमा सीताये में है। अंजलि जो है वो रुक्मिणी का दाहिना हाथ है और पूरे जो क्वार्टर्स हैं अंजलि की ही केयर टेक में चलते हैं। ओके, तो अंजलि ही बताती है इसको, एक्चुअली सुजाता को बताती है कि किस परिस्थिति में रुक्मिणी ने एकदम से इसे अंजलि को बुलाया और बोला, अंजलि तुम जल्दी जाओ, दर्शना की बेटी खतरे में है। और कहती है कि माता ने मुझे बताया कि किस जगह पे जाना है, और मैं उस जगह पे जब पहुंची तो तुम्हारे कपड़ों में आग लगी हुई थी और तुम बेहोश थे, और उद्धव की वहां पे डेड बॉडी पड़ी थी। बाद में हमने कोशिश करी और महेंद्र को हमने जेल में भी डलवा दिया, लेकिन महेंद्र इसलिए बच गया क्योंकि कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं था। और आगे से ये जो है जो सुजाता है ये काफी डिप्रेशन में इस समय तक जा चुकी है ये सब उसकी लाइफ में होने के बाद, और वो अंजलि को कहती है कि उद्धव क्यों नहीं बचा, मैं बच गई तो वो क्यों नहीं बचा। तो आगे से अंजलि कहती है कि उद्धव ने जो रास्ता जिस रास्ते पे वो चला उसने उस खुद ही तय किया था, उसने खुद को सेक्रीफाइस किया था, और तुम ये मत भूलो कि हम अपनी डेस्टिनी का निर्माण हम खुद स्वयं ही करते हैं, चाहे हम इसे जाने या हम इसे ना जाने। और फिर उसके बाद वो ये कहती है कि मैं उससे कभी दोबारा मिलूंगी उद्धव से। तो आगे से अंजलि कहती है कि जो जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हारी आंखें नहीं देख सके वो नहीं हो, अगर तुम ध्यान लगा करके उद्धव के बारे में सोचोगी तो तुम पाओगी कि वो तुम्हारे आसपास ही है, वो तभी ही यहाँ से जाएगा जब तुम सच में उसे अपने दिल से विदा करोगी। तो यहाँ पे इस बुक में इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। अब जो लोग ज्ञान भारत के पिछले सुने हैं, तो एक रॉब श्वार्ट्स करके एक ऑथर थे जिनका इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग पे उन्होंने एक बुक में पूरा चैप्टर लिखा, और नीता जी ने आई थिंक उसका स्वाध्याय भी किया है। इस बुक में ये दिखाया है कि द्वापर में किस तरीके से इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग था, और बहुत सक्सेसफुली इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग जो है वो होता है, और अंततः जो श्री कृष्ण है वो उसको जाने देते हैं उद्धव को, जब सुजाता तैयार हो जाती है कि वो उसकी आत्मा अब आगे अपनी यात्रा में बढ़े। तो हम टुवर्ड्स अब एंड आ रहे हैं, तो एंड तो ये जो अब मालिनी है, जब इसको ये कनेक्शन मिल जाता है कि जो उद्धव है वो यही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो उसे एक बहुत एक जैसे एक एक मानसिक इसे स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये धीरे धीरे मतलब अम्बा की केयर से
अंजलि की पूरी गाइडेंस से, फिर रुक्मणी देवी का जो उनका प्रभाव अपना था, और प्लस अब उद्धव की भी उपस्थिति हुई, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन से बाहर आने लगती है। इनकी प्रेगनेंसी अब एडवांस स्टेज पे आती है और ये बाहर आ रहे हैं उससे, डिप्रेशन से। तो वो ये सोचती, ये अंजलि को एक बार जाकर के बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी रियलिटी दिखाई कि उद्धव सच में ही दूर नहीं है, मैं उद्धव को महसूस कर सकती हूँ अब अपने साथ। तो वो ये कहती है कि तो वो ये कहती है कि तुम, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य होता है कि कोई भी इंसान एक्चुअली हमसे कभी भी दूर नहीं जाता है। तो इस समय पे जो अंजलि है वो श्री कृष्ण और रुक्मणी का एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि बहुत बार जब जैसे रुक्मणी मेरे पास नहीं होती है फिजिकली भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने आसपास ही पाती हूँ। इसी को ही हम ओमनीसियंस कहते हैं, इसी ओमनीसियंस नहीं ओमनी प्रेजेंस कहते हैं, सॉरी। मतलब सर्वव्यापकता यही होती है कि जब हम इस चीज को जान जाते हैं कि जैसे कि हम वो कहते हैं ना कि कण कण में कृष्ण है, तो यही बताती है कि कृष्ण और रुक्मणी या कोई भी और कोई भी जो आत्मा है वो हमारे आसपास ही विद्यमान है। ये जो हमारे कनेक्शन होते हैं ये हमारे हार्ट से बने होते हैं। तो बस अब हम बिल्कुल टुवर्ड्स अब एंड आ गए हैं आज के लिए, और उसने अब ये दिखाया है कि किस हमने आज पूरा क्या तय किया कि द्वारका क्या थी, कैसी नगरी थी, छोटी सी जो मालिनी थी उसका क्या जीवन था, और किस तरीके से फिर उसकी मदर की वजह से, और उसका भाई भी चला जाता है, मदर भी चला जाता है, उसका परिवार बिखर गया, फिर उद्धव उसकी जिंदगी में आया और फिर ये सब होता है। और अब उसकी ये स्टेज है कि वो करीबन अभी यंग है, 18-19 साल की इस समय है, प्रेग्नेंट है और रुक्मिणी देवी की केयर में आ गई है। तो अब इसने कहा कि मैं अब धीरे धीरे ये जान रही थी कि जो रुक्मिणी देवी है ये भिन्न है। अभी भी दिखाते हैं कि इसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स डाउट्स आते हैं, लेकिन उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जो उसकी मदर स्टोरीज बताती थी रुक्मिणी देवी की वो गलत नहीं थी, शायद उसमें कुछ सच्चाई थी। रुक्मिणी की कैरेक्टर या ऐसा इस बुक में बताया गया है कि वो इस समय पे रुक्मिणी बहुत ही स्पष्ट थी। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से, नो जामवंती से उनका सेकंड मैरिज होता है, तो उससे विवाह करने से पहले वो रुक्मिणी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में मैं एकम पति पत्नी व्रता नहीं रहूंगा, तो मुझे कुछ कार्मिक बंधनों को पूरा करने के लिए अनेक विवाह करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले तुम्हारी अनुमति चाहिए। तो रुक्मिणी कहती है कि ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भी आपकी अनुमति चाहिए किसी किसी चीज के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम्हें किस चीज के लिए अनुमति चाहिए। तो रुक्मिणी कहती है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने पूरी तरह मर्यादित होकर और महल की जो दायित्व थे उनको ही अपना दायित्व और आपके दायित्व को ही अपना दायित्व माना था, लेकिन इस जन्म में मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए कि मैं जो भी करूं, मैं कहीं भी जाऊं, उस पे किसी तरीके की कोई रोक टोक ना हो और मुझसे कोई प्रश्न ना किए जाए। तो श्री कृष्ण जो है वो इस पे अग्री होते हैं, और ऐसे ही रुक्मिणी अग्री होती है कि उनके जो है बहु विवाह वो करेंगे। तो इसमें जो रुक्मिणी है वो अपने आसपास की जो फीमेल्स हैं जो कभी इस वजह से आती हैं कि उन पर अत्याचार हुए, कभी इस वजह से आती हैं कि वो विकलांग है, तो वो ये सबको बताती हैं कि आप चाहे आप महिला हैं पर आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अगर आपको वो नहीं दिया जाता तो आपको उसका दावा करना पड़ेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या सोचता है, समाज क्या सोचता है, आपके लिए आपका न्याय लेना आपका अधिकार है, और उसके लिए अपने आप को आपको सशक्त करना चाहिए। तो एक तरीके से तो जो रुक्मिणी का कैरेक्टर है वो ऐसे है जैसे कि ये एक निर्भीक, जैसे एक करेजियस वुमन है। जैसे कि मुझे याद, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था नारी सशक्तिकरण, जो कि ज्ञान भारत में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर उसका एक बहुत सटीक उदाहरण है तो वो रुक्मिणी है इस किताब में। तो आई थिंक इसके साथ हम आज का स्वाध्याय खत्म करते हैं, काफी कंटेंट था एक दिन के लिए। ओवर टू यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और बताना था, मुझे मन नहीं भरा। अभी तो तुमने स्टार्ट किया था। अभी आगे स्टोरी बनेगी ना, फिर हम आगे लेके जाएंगे। अब स्टोरी में आगे हम जाएंगे रुक्मिणी और कृष्ण पे, कि इनका कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आगे चलती हैं बहुत सारी चीजें। फिर हम जाएंगे रुक्मिणी और राधा पे, जो कि बहुत ही सुंदर एपिसोड। आपको याद होगा नीता जी, जब वीणा आई थी तो उसने राधा के यस बारे में यस बोला। यस 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 फिर हम जाएंगे अर्जुना पे, कि अर्जुन एक्चुअली एक और फॉर्म हम सब जानेंगे अर्जुन का। फिर अर्जुन और सुभद्रा के बारे में आएगा। ऐसे करके बहुत बुक तो इतनी बड़ी है कि हम 15 दिन का स्वाध्याय कर सकते हैं। तो करो ना, तो कौन मना कर रहा है। नहीं, लेकिन सब सो ना जाए सुनते मैं तो नहीं सुनते। सुनूंगी। मैं आईज बंद करके सुन रही थी पूजा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था विजुलाइज करते हुए। उद्धव और उसका बता रहे थे, और जो भी बता रहे थे आप, बहुत बहुत सुंदर कहानी है। जो ये पौराणिक कथा हमारे पुराणों में लिखी हुई है, उन सब के काफी के उद्देश्य होते हैं, पर वाकई बहुत तोड़ मरोड़ के हमारे पंडितों ने, हमारे दूसरे लोगों ने बना दिया है। सत्य को हम नहीं जान पाते। दीना मरियम जैसी सोल, जिनकी इंट्यूशनल प्लेन तक के वो ट्रैवल करती हैं, और वहां से वो मेमोरीज को लेके आती हैं और वो लिखती हैं, तो बहुत अच्छी लिखी है। जैसे मैं और पूजा पिछले 2 महीने से शायद इस बुक का शेड्यूलिंग कर रहे हैं, और अब जाके बिल्कुल, कहते हैं ना पूजा की यूनिवर्स ही डेट फिक्स करता है, बिल्कुल जन्माष्टमी के पहले ही हुआ है। जी तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक दो क्वेश्चन ले लेती हूँ, थैंक है ना, यू, श्योर। और फिर कल का वेट रहेगा। यस सुरभि जी, हेलो मैम, थैंक यू सो मच इनको यहाँ प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मुझे और मोटिवेशन देने के लिए। मैम, ये बुक मुझे दीना मैम ने गिफ्ट करी थी जब हम ट्रिप पे गए थे उनको मिलने के लिए। तो यस दिस इज मेरी सेकंड बुक जिसको मैंने डिटेल में पढ़कर सबको सुनाना है, और आपने मुझे और मोटिवेशन दिया इस बुक को पढ़ने के लिए। और आपने बहुत अच्छे से, जो मैंने ऊपर ऊपर से इस किताब के बारे में पढ़ा और सुना दीना मैम के मुंह से, उस किताब का आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू नीता मैम और मैम आपका, जो आपने इनको आप दोनों ने मिलकर ये सारा कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स ब्यूटिफुल बुक। और दीना मैम ने कहा था, जैसा जो लोग इस जन्म में सीतायन में, जो किताब में नहीं कर सके कार्य पूरा, राम और सीता वो कृष्ण और रुक्मणी के रूप में आए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से, और उसी फ्लो में ये बुक चल रही है कि कोई दासी है या कोई डांसर है ऐसे करके। तब हम जिसने जिसने सीता को पसंद किया है ना, वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता को, वो इस बुक को तो बहुत अच्छे से पसंद करेगा। सो थैंक यू अगेन बोथ ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे से बोला मैम। थैंक यू। क्योंकि सीतायन इतना सुंदर लिखा हुआ था, और जैसे पूजा ने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, तभी से मैंने इनको कहा कि तुम बोलो। एक तो वैसे ये बहुत अच्छी स्पीकर है, और जब ये बोल रही थी सुरभि, तो मैं तो आईज बंद करके सिर्फ विजुलाइज कर रही थी उस पीरियड में। तो यही तो मैं अनटोल्ड स्टोरी सीता को जब पढ़ती हूँ ना, तो डिटेल में पढ़ती हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने 13 सेशंस दिए, पूरा पढ़ा। तो अभी मेरा नेक्स्ट ये है कि बुद्धा वाली बुक पढ़ना है, और फिर उसके बाद ये रुक्मणी की बुक है। सो दैट्स माय गोल। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुंचती है सुरभि। पर थैंक यू पूजा सुरभि मैम, थैंक यू नीता मैम। जी, बुद्धा वाली कौन सी बुक है? यशोधरा की है, यशोधरा बुद्धाज वाइफ, बहुत प्यारी है वो भी बहुत बुक। अच्छी बुक है। उसका 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 स्वाध्याय हमारे ज्ञान भारत में शास्त्री सर ने किया था। जी, वो क्योंकि हम लोग इन महान आत्माएं जो औरतें हैं उनके बारे में हम जानते नहीं है, तो ऐसे ही मैंने जब पवनी मैम के ग्रुप में सुना तो मेरे को ये बुक ने काफी अट्रैक्ट किया। और जब मुझे जुलाई 3 को, मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले, जब यशोधरा माम मेरी विजन में आई, तब मुझे पता चला कि क्यों मैं एकदम से इनके साथ, सीता और यशोधरा माँ के साथ कैसे एकदम से कनेक्टेड फील करने लगी। तो या दैट्स अ वेरी गुड बुक। पूजा मैम आप जरूर पढ़िए। थैंक यू, चलिए, आई शायद विल। आपको याद नहीं होगा, मैंने दीना से पूछा भी था कि आप यशोधरा के लाइफ पीरियड में नहीं गई हैं क्या, क्योंकि मुझे यशोधरा से बहुत बहुत प्रेम है। क्योंकि बुद्धा की स्टोरी तो हम सब जानते हैं, पर उनकी जो सेक्रीफाइस है, जो उनका रोल है, वो हम कम जानते हैं ना, कि सिर्फ जी, रावण को दे दिया, फिर वो भी दीक्षा ले ली, और थोड़ा बहुत ही हम जानते हैं। बट उस समय में जो मैंने अभी तक बुक पढ़ा है, ऑलमोस्ट मैंने हाफ बुक पढ़ ली है बुद्धाज वाइफ, उसमें जिस तरह से अभी भी अगर डिवोर्स को जैसे टैबू माना जाता है,
तो उस टाइम पे था जब छोड़कर चले गए एक नवजात शिशु के साथ यशोधरा माँ को, तो उस टाइम में वो इतनी सुंदर थी, कितने उनके प्रपोजल्स आए थे, फिर ससुर कि तुम शादी करो, को कोई राजकुमार चाहिए, और किस तरह से जब बुद्ध भगवान वापस आते हैं, बुद्ध बनकर आते हैं, तो कैसे उनका एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, कैसे वो अपने बाप अपने पिता को चेंज करते हैं, और अपनी माता को कैसे वो सर्कल ऑफ लाइफ करती हैं, उनकी मदर इन लॉ जो है वो कैसे करती है, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, और वो आज के जो दो कपल है उनके साथ वो लाइफ को पैरेलल चल रही है। तो चलिए ठीक है सुरभि जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे, ज्ञान भारत सुनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने एक सेशन में लिया था, मुझे अच्छे से याद है, और एक सेशन में पूरा बता के गए थे। जब इतनी अच्छी टीचिंग्स वाली हो ना, तो उनको लंबा करना चाहिए। जैसे मैंने इनको बोला था, पहले हम लोगों ने 8 दिन का प्रोग्राम किया था, है ना पूजा, फिर इन्होंने 3 दिन किया, फिर मेरे को बोले नहीं नहीं नीता 3 दिन नहीं हो पाएगा, 5 दिन, तो फिर हमने 5 दिन का शेड्यूल किया। तो आप भी बताइएगा सुरभि, ज्ञान भारत बहुत वेलकम। Before I let you go, आपकी जो कल की जो टीचिंग थी वो मुझे इतनी अच्छी लगी, I meant to send you a message. आपको पता है ना मेरा schedule match नहीं करता आपके साथ, तो मैं हमेशा back recording सुनती हूँ, but I meant to send you a message. और वो मैं अपने session में, मैं मेरा Monday night को मैं खुद Virginia के अपने sessions लेती हूँ, तो उनको वहाँ छोटी छोटी stories के रूप में मैं सुना सकती हूँ, तो उन लोगों को stories के माध्यम से जो हम message दे सकते हैं ना, that is just beautiful. But yes, कल का session तो मैं already आपका आधा आधे को बार बार 3 बार ही सुन चुकी हूँ, क्योंकि I want to register all those stories मेरे दिमाग के अंदर. Thank you both, पूजा मैम, thank you, gratitude. Yes, संगीता जी. Thank you so much. मैंने आज आपका सेशन अटेंड किया, लेकिन सच कह रहे हैं नीता दी, इतना अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते हैं, हम खुद को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं जो हम नहीं जानते. हम बुक्स, एक तो हम बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं नींद आने लगती है, और जब हम ऐसे सुनते हैं तो बहुत बहुत जागरूकता बढ़ती है और बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, और लगता है वाकई पत्री सर ने हमको कितने अच्छे रास्ते पे ले आए हैं, और दिल से बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड निकलता है आप सबके लिए. थैंक यू सो मच, और मुझे प्लीज अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए. हाँ, आप नंबर लिख लीजिए, है ना जी, एक सेकंड. और पूजा जी, वाकई आपने इतना अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला, बहुत ज्यादा, हमारा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि आप हिंदी बुक लेके पढ़ रही हैं भाई. हाँ, मैं अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करती हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा. पूजा, तुमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बेटा. गूगल ट्रांसलेटर नीता जी, कभी 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 मुझे लगा बहुत ज्यादा हिंदी में हो जाए, कई लोग जैसे हम लोग हिंदी वाले हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग समझ सकते हैं. मैम नंबर बता दीजिए. हाँ, नंबर आप लिख दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगी, है ना. तो और किसी को कुछ पूछना हो? यस रश्मि जी. आत्मवंदन मैम, आप सही बोल रहे थे, बिल्कुल पता नहीं चला कि कब तो मैम ने स्टार्ट किया और कब वो लास्ट में बोलने लगे. देखो ना, खत्म होने वाला है. कल आपकी स्टोरी भी सुनते सुनते ऐसे हो रहा था कि जैसे बिल्कुल जी रहे हैं उसको, जो जो आप बोल रहे थे वो सारी स्टोरी में ऐसे लग रहा था कि हम खुद उस चीज को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो हो रहा है. बहुत अच्छा लगता है मैम, मैं जब से ज्ञान भारत से जुड़ी हूँ ना, तो एक रूटीन बन गया है कि हाँ मेडिटेशन करना है और एक आप सबको सुनना है. और मतलब मेरा ऑफिस का टाइम होता है, मैं 4 बजे से पहले कोशिश करती हूँ मैं अपना काम निपटा लूँ और 4 से 6 मैं ये मतलब सुनूं और मेडिटेशन करूँ. और मैं अपनी बेटी को भी 4 बजे तक पहले सुलाने की कोशिश करती हूँ कि तू 3:30-4 बजे तक सो जा बेटा, ताकि मैं मेडिटेशन में बैठ सकूँ. कहाँ पे है वो रश्मि, कहाँ पे रहते हो बेटा? मैं भिवाड़ी से, राजस्थान से हूँ. यहाँ पे आसपास कहीं पिरामिड नहीं है तो घर और फैमिली में इतना नहीं मानती, बस मैं ही सोचती हूँ, तो मैं पिरामिड, छोटे छोटे पिरामिड खुद बना के खुद मेडिटेशन करती हूँ. और अगर कॉपर वगैरह का चाहिए तो नंबर ले लेना, तुम कॉपर का पिरामिड मंगा सकते हो अपने घर में. और यदि नहीं भी मंगाओगे, ये सिर्फ टूल्स है ना बेटा, अगर टूल्स नहीं भी है हमारे पास तो हमारी खुद की श्वास है, बस दैट इज इनफ, है ना. मुझे एक चीज पूछनी थी मैम, कि
जैसे ऐसे होता है कि बहुत बार अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है, मैं PSSM से 2 महीने से जुड़ू, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था शायद, तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में ना बहुत चीखने का रोने का मन करता है, क्या ये सब नॉर्मल है? ये कैथार्सिस है बेटा, जो भी हमारे फ्रोजन इमोशंस एंड थॉट्स हैं वो सरफेस में आते हैं, इमोशन भी आते हैं, तो रोने का मन होता है, हंसने का मन होता है, आपकी मुद्राएं बन जाती हैं, वो सब एनर्जी मूवमेंट है, जस्ट एक्सप्रेस। बस ये है कि किसी को मार मत देना, ना मारना नहीं बेटा, वहां तक मत पहुंच। नहीं नहीं, इसलिए ध्यान में ही होता है कि रोते ही रोने का मन हाँ, रोना है तो वहां तक ही ठीक है, पर बस वायलेंट मत हो जाना है ना रश्मि। नहीं बल्कि अभी 2 महीने से तो जो थोड़ी बहुत इरिटेशन थी और जैसे कभी किसी की बात का कुछ बुरा लग जाना, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शांत खुद ही खुद होता जा रहा है कि अब बिल्कुल किसी से कुछ बोलने का मन नहीं होता। अगर कोई कुछ बोल के भी चला गया, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं हर तरह के हर सोच के, बट कोई बोल के भी चला जाता है तो ऐसा लगता है कि इट्स ओके, चलने दो, उन्होंने बोला है कोई बात नहीं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ पूजा जी, कल क्या सिर्फ कृष्ण और रुक्मणी जी की ही पूरी कहानियां रहेंगी? कुछ तो बताओ यार, ऐसे बीच में मत छोड़ के जाओ। कल हम बहुत सारी कहानियां हैं उनकी भी, बहुत बढ़िया कहानियां हैं, थोड़ा मालिनी चलती रहेगी, मालिनी का आगे बेबी बर्थ होगा। तो रुक्मणी के इसमें बचपन का नहीं है, चाइल्डहुड की मतलब उनके बारे में नहीं लिखा है, जैसे सीता का हमने पढ़ा है ना, तो उसमें था चाइल्डहुड, इसके में है इनका रुक्मणी का? इनका मेनली चाइल्डहुड इस बुक में यही बताया गया, इनके जैसे फादर के बारे में या मदर के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ रुक्मी इनके भाई के बारे में थोड़ा बहुत है कि वो इन्हें बंद करता था, और मेनली बचपन का यही दिखाया है कि किस तरीके से वो इन्हें बंद कर देता था और ये हर बार भाग निकलती थी। गाँव के वेश वाली लड़कियों के वेश में जाती जी। लेकिन कल आप थोड़ा सा और बचपन के बारे में जानेंगे कि जैसे ये अभी बहुत छोटी ही थी जब श्री कृष्णा से मिलती हैं, वो सारी कहानियां जो कि मैं तो पहले नहीं जानती थी, तो वो हम श्री कृष्ण रुक्मिणी के एपिसोड में जानेंगे कि जब ये छोटी बच्ची ही थी तब वो मिलती हैं, फिर कैसे उन्हें पूर्व जन्म की यादें आती हैं। बहुत ही स्ट्रांग, मतलब वो मैंने सीता भी स्ट्रांग थी, लेकिन सीता का जो कैरेक्टर सीता में हम पढ़ते ना, वो बहुत एक मर्यादित कैरेक्टर था, जो रुक्मिणी है शी इज लाइक प्रकृति के लिए भी है, लेकिन समय का ऐसे दिखा रहे हैं कि द्वापर में कला बहुत बढ़ रही है, इंद्रप्रस्थ जब अब बनेगा आगे, जब इंद्रप्रस्थ पे सुभद्रा जो है वो भी कला को बहुत प्रोत्साहन देंगी। सुभद्रा की बहुत अच्छी कहानी है आगे, बहुत बहुत प्यारी कहानी है, अर्जुन की बहुत अच्छी कहानी है, आप तो हमको एकदम उस टाइम में उस ट्रांस में लेके गए, इट वॉज सो स्मूथ फ्लोइंग, बहुत अच्छा लगा, एंड यू स्पीक वेरी वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाली, it was really nice, and yeah, we are looking forward, आगे देखते हैं अभी। आज तो समझ लीजिए background था, background हाँ base, आज समझ में आ रहा था कि you're just एक base बना रहे हो। हाँ you know, बहुत अच्छे से आपने हर चीज कैसे clear कर दी, कैसे मालिनी अब सुजाता हो गई, वो सब समझ में आ गया, कौन महेंद्र कौन अभिषेक सब समझ में आ गया, अब इसके बाद main story चालू होगी जी, तो जिससे relate कर पाएंगे उस उन characters को जब आएंगे सुनेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा ना जी, क्योंकि ये बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी के मेन पात्र तो यही रहेंगे। बट वही जैसे आप बोल रहे हो कि आगे जाके कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ, सुभद्रा के साथ, सो दैट विल बी वेरी। तो जैसे पूजा जी आप जैसे ये स्टोरी बता रही है, तो उसमें दीना मरियम की अपनी खुद की कौन सी स्टोरी है, मतलब वो कौन सा प्ले कर रही है रोल? मालिनी का। अच्छा, नहीं मालिनी का अम्बा तो नहीं है करके? नहीं, मालिनी दीना मरियम है, मालिनी जो अब सुजाता बन जाएगी वो दीना मरियम। फिर आगे क्या होगा जब द्वारका समुद्र में चली जाती है, उसके बाद वापस जन्म लेंगी ये, तो तब ये एक मेल बॉडी में जन्म लेंगी,
और मथुरा में एक मंदिर का निर्माण होगा। आपको याद है नीता जी, दीना बहुत सेंसिटिव थी मंदिर के मुद्दे को लेकर के। यस यस, एक ये भी कारण है इनका ये जन्म है। और फिर इस बुक में जो हम लास्ट डे करेंगे वो एक इनका जन्म, एक थर्ड जन्म होगा कलयुग के बिल्कुल शुरू में, जो कि इतना सुंदर है, इतना सुंदर है वो, कि पहले मैंने सोचा था उसे छोड़ देंगे और मेनली रुक्मणी की कहानी कवर करेंगे, पर फिर लगा कि नहीं, उसमें इतने लेसन हैं कि वो छोड़ना नहीं, इट्स नॉट वर्थ। बिल्कुल, तो फिर हम उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। उत्सुकता बनी हुई रहेगी कल सुबह, कल शाम के 4 बजे की। तो चलिए फ्रेंड्स, और किसी को यदि कुछ नहीं पूछना है तो हम पूजा जी को भी फ्री करें, वो काम भी करती हैं, वर्किंग वुमेन है, उसके बावजूद हम लोग के लिए इतने प्यारे प्यारे सेशन लाती हैं। और प्रदीप सर के 11 दिन के प्रोग्राम में भी इन्होंने मेरा बहुत हेल्प की। तो मतलब देखिए ना, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है ना आप पूजा जी, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ रायपुर छत्तीसगढ़, पर देखिए सोल कनेक्शन इसी को कहते हैं। हाँ जी, और मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे बहुत पसंद है नीता जी बुक्स पढ़ना, और फिर ज्ञान भारत एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा मंच है, जिससे आप जैसे कितने प्यारे प्यारे लोगों से आप मिलना होता है, और वर्चुअल मिलना, अब मिलना ही है, ये मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग को जाने कितना नॉलेज लिया ज्ञान भारत से, कितना नॉलेज मिला। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, और परसों जो राखी है उस दिन हम सिर्फ पूर्णिमा है तो उस दिन हम सिर्फ इंटेंस मेडिटेशन करेंगे 1 घंटे के लिए। फिर रुक्मणी और कृष्ण की कहानी राखी के दूसरे दिन 2 दिन और होगी। तो जैसे जैसे शेड्यूल आगे बढ़ते जाएगा आप लोग को और मालूम चलते जाएगा। तो चलिए पूजा दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।